हिरण शिकार मामले में सलमान खान का नाम सामने आने के बाद से ही बिश्नोई समाज और सलमान खान में जंग छिड़ी हुई है। नमस्कार, मैं हूं रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम क्राइम सीन, जिसमें हम आपको बताएंगे सलमान खान और बिश्नोई समाज की अदावत के बारे में। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई भी इसी बिश्नोई समाज से ही आता है, जिसने खुलेआम सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी है। इस समाज के लोग प्रकृति से इतना प्रेम करते हैं कि एक पेड़ के बदले अपनी जान भी दे सकते हैं। बिश्नोई समाज मूलतः जोधपुर के पास पश्चिमी थार रेगिस्तान से ताल्लुक रखता है। यह समाज प्रकृति के प्रति प्रेम के लिए जाना जाता है। बिश्नोई समाज में जानवर को भगवान तुल्य माना जाता है और खासकर हिरण। इसीलिए समाज के लोग हिरण और अन्य पशुओं के लिए अपनी जान की बाजी लगाने से पीछे नहीं हटते हैं। वे काला हिरण की पूजा करते हैं। दरअसल ये लोग हिरण को भगवान की तरह मानते हैं और इसका संरक्षण करते हैं। राजस्थान के कुछ गांवों में आज भी महिलाएं हिरण के बच्चों को अपना दूध पिलाती हैं। कुछ साल पहले एक तस्वीर भी वायरल हुई थी, जिसमें एक महिला हिरण के बच्चे को अपना दूध पिला रही थी। बिश्नोई 20 और नोई से मिलकर बना है और यह समाज 29 नियमों का पालन करता है। इन नियमों में एक नियम शाकाहारी रहना और हरे पेड़ नहीं काटना भी शामिल है। साथ ही ये लोग जम्बोजी को पूजते हैं। बिश्नोई समाज के लोग लगभग 550 साल से प्रकृति की पूजा करते आ रहे हैं। काला हिरण विलुप्त होती प्रजाति है, जिसकी सुरक्षा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की जाती है। वहीं चिपको आंदोलन में भी बिश्नोई समाज का अहम योगदान है। बिश्नोई समाज आमतौर पर पर्यावरण की पूजा करने वाला समुदाय माना जाता है। ये बिश्नोई समाज ही था जिसने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान की आहुति दी थी। जोधपुर के राजा द्वारा पेड़ों के काटने के फैसले के बाद एक बड़े पैमाने पर बिश्नोई समाज की महिलाएं पेड़ों से चिपक गई थी और उन्हें काटने नहीं दिया। इसी के तहत पेड़ों को बचाने के 363 बिश्नोई समाज के लोगों ने अपनी जान भी दे दी थी। कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको यह जानकारी कैसी लगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों को जानने के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज़।